नमस्कार साथियों, देखिए साथियों, 12 अक्टूबर 2024 जितने भी एसएससी एमटीएस के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन या पूछे गए जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे ऑल शिफ्ट लिखी गई है क्योंकि अगले शिफ्टों के अंदर भी यही क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, तो इस सेशन को आप जल्दी से देख लीजिए। और जो एसएससी अपना लेवल दिनों दिन बढ़ाता जा रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सी शिफ्ट के अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और टप शिफ्ट कौन सी रही थी। ठीक है, तो बिना देरी किए हम सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सेशन से पहले आप सभी से गुजारिश है सेशन को आखिर तक जरूर देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेता कौन है, मतलब कौन थे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह के समय यहाँ पे नेता कौन थे, तो वो थे बेगम हजरत महल। कौन थे? बेगम हजरत महल यहाँ पे थे जो लखनऊ के अंदर 1857 के विद्रोह के नेता थे। ठीक है, अगला यहाँ पे एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन थे, तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी एचपी वलातस्की। ठीक है ना, जिसके द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। यहाँ पे देखो अब जो इंसिडेंट हिस्ट्री है ना वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 1857 से आसपास। ठीक है ना, तो 1857 के आसपास यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आया था साइंस से संबंधित, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन की जो आविष्कार किया था वो प्लंक के द्वारा किया था, किसके द्वारा? प्लंक के द्वारा। ठीक है, अगला यहाँ पे पूछा गया था विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो तिब्बती जो पठार है जिसे हम तिब्बत का या पठार या चीन का पठार भी कहते हैं, चीन का पठार भी कहते हैं, ये पठार विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है ना, अगला है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद होता है। देखो यहाँ पे कुछ तत्व कोई होगा, यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शन के अंदर कोई तत्व होगा और उस तत्व के अनुसार यहाँ पे आपको बताना होगा कि हवा का अनुपात यहाँ पे क्या रहने वाला था। ठीक है, अगला देखो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक देश है, तो देखो जो बैंकॉक राजधानी है वो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और इसे इस थाईलैंड को कहा जाता है सफेद हाथियों का देश। क्या कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन आया है सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है इसको, किसको? थाईलैंड को। ठीक है, और बैंकॉक इसकी राजधानी है। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, सूरों व सुंदरियों का देश भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो सूरों व सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जापान को। किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है, जापान जिसकी राजधानी टोक्यो है। और आपको बताना है जो 2019 के ओलंपिक गेम हुए थे वो कहाँ पे हुए थे, ये आपको कमेंट करके मुझे जल्दी से बताना है। ठीक है, अच्छा जापान के वर्तमान में एक नए प्रधानमंत्री बनाए गए, ये भी आप कमेंट करके बताओ जापान के अंदर प्रधानमंत्री कौन बने हैं अभी नवीनतम। ठीक है ना, ठीक है, उगते सूर्य का देश भी किसे कहते हैं, तो ये भी जापान को कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है एंटी लाइन। ठीक है, ये थोड़ा सा अटिपिकल क्वेश्चन था। अगला सतलुज नदी को ऋग्वेदी काल के समय उसको क्या नाम से जाना जाता था, तो उस समय सुतुद्री नाम से जाना जाता था। अच्छा देखो सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी को यहाँ पे कहा जाता था सुतुद्री। क्या कहा जाता था? सुतुद्री। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें जैसे काफी शहर हैं, जैसे शहरों के किनारे जैसे नदी की बात करें, जैसे दिल्ली की बात करें तो कौन सी नदी के किनारे दिल्ली स्थित है, तो ये है यमुना नदी के किनारे। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ अभी मोहनजोदड़ो के बारे में अगले शिफ्ट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था, मोहनजोदड़ो जिसे कह सकते हैं, मूवी भी आई थी उसके ऊपर, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा ये। ठीक है ना, अगला है इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे है, देखो ये अगली शिफ्ट के अंदर पूछा गया, देखो ये तिबर नहीं है, ये है टाइबर नदी। कौन सी नदी? टाइबर नदी के किनारे स्थित है इटली की राजधानी रोम। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो
निर्भर करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम। ठीक है, अगला है गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है, तो वो है कोलेट्रोटिज्म फाल्केटम। ठीक है ना, अगला है प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है, तो ये परिवहन संचार व्यापार सेवाएं इनसे संबंधित है भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय जो क्षेत्र है। अच्छा आप बताओ मुझे प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है। ठीक है, वे संविधान संशोधन जिसके माध्यम से भारतीय संविधान में किसे शामिल किया गया है, देखो यहाँ पे कोई संविधान संशोधन था, आपको यह बताओ मुझे तो नीति निर्देशक तत्व किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है, भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफाओं मंदिरों बराबर की गुफाएं स्थित हैं, तो ये सभी गुफाएं बिहार के अंदर स्थित है, कहां पे, बिहार के अंदर। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है, तो ये लगाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार वाला जो मौलिक अधिकार है वो शोषण के खिलाफ अधिकार पे क्या लगाता है, रोक लगाता है। अगला है, किसने धार्मिक ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया है, तो ये किया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवाओं का पुनर्विवाह का समर्थन। ठीक है ना। अच्छा अगला है, भारत में जो सामाजिक समूह है निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वो कौन सा समूह है, तो वो है एससी व एसटी समूह। ठीक है, निर्धनता के तौर पे यहाँ पे सर्वाधिक असुरक्षित जो समूह है वो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो वो इंग्लैंड कर रहा है। अगला है, मृदा के रंग गठन रासायनिक गुणधर्म खनिज मात्रा और पारगम्यता को कौन निर्धारित करता है, तो वो करता है जनक सेल। कौन करता है, जनक सेल यहाँ पे निर्धारित करता है। ठीक है, अगला है, नील की खेती करने वालों की समस्याओं के निराकरण के लिए 1917 के अंदर कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो उस समय वेस्ट बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर चलाया गया था चंपारण किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन, चंपारण किसान आंदोलन चलाया गया था यहाँ पे नील की खेती के समस्याओं का निराकरण करने के लिए। अगला, मांडू उत्सव भारत के किस राज्य के अंदर जो संबंधित है, मांडू उत्सव वो है गोवा से संबंधित। देखो मांडवी नदी कहां पे बहती है, मांडवी नदी कहां पे बहती है, तो ये बहती है गोवा के अंदर और यहीं से मांडू उत्सव संबंधित है। हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके हैं 2023 के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन कौन सा है, तो 2023 के अनुसार जो सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन किया था वो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया। ठीक है, नवरोज त्यौहार किसका संबंधित है, तो ये पारसी समुदाय से संबंधित है। कौन सा त्यौहार, नवरोज त्यौहार। ठीक है, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, रोशनी कुमारी और कौमुदिनी लेखिया किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये कत्थक से है। ठीक है, अच्छा कत्थक कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है उत्तर भारत के अंदर। कहाँ पे, आज क्या है कि नवरात्र समाप्त हो गया, दशहरे का दिन है, तो यहाँ पे पटाखे की आवाज आ रही है। ठीक है ना, अगला देखो, लापिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये है N2O, N2O संबंधित है नाइट्रस ऑक्साइड कैसे कहते हैं जिसे, तो लापिंग गैस का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, आमेर का किला किसके द्वारा बनाया गया, आमेर का किला राजा मान सिंह प्रथम के द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा, राजा मान सिंह प्रथम के द्वारा आमेर का किला बनवाया गया। अगला है, आर्म्स एक्ट जो शस्त्र अधिनियम है किसके कार्यकाल में लाया गया, तो ये लिटन, जो लॉर्ड लिटन है उसके कार्यकाल में यहाँ पे आर्म्स एक्ट शस्त्र अधिनियम लेके आया गया। ठीक है, अगला है, किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल में सर्वाधिक रन बनाए थे, तो वो बनाए थे कृष्णाचारी श्रीकांत के द्वारा। ठीक है, नैना देवी किस गायन शैली से पद्म श्री अवार्ड प्राप्त किया है, तो वो ठुमरी गायन के लिए, कौन सा गायन, ठुमरी गायन के लिए। अगला, किस देश से भारत सरकार ने संसदीय प्रणाली उधार ली है, तो ये ली है ब्रिटेन से। ठीक है, अगला है, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो ये करवाया गया है शाहजहां के द्वारा। आगरा के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। अगला है, भारत में वस्त्र उद्योग को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया था, तो ये किया गया था केलिको अधिनियम। कौन सा अधिनियम, केलिको अधिनियम लागू किया गया था वस्त्र उद्योग को रोकने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2023 के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार कौन सा राज्य सबसे गरीब है, तो ये हो जाएगा बिहार राज्य। ठीक है, 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल क्लब भारत में कहां पे आयोजित किया गया, तो ये ओडिशा के जो भुवनेश्वर के अंदर कलिंग स्टेडियम है वहां पे इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल
फुटबॉल क्लब भारत के अंदर आयोजित किया गया 2023 के अंदर। ठीक है, तो आज का ये सेशन है आपके लिए है। तो देखो ये फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का ही है, ठीक है ना। थर्ड शिफ्ट का मैं शाम को वीडियो लेके आऊंगा। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करें और मोटिवेशन के लिए कमेंट और लाइक जरूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी कला से लेके आते रहे। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।